इस साल 2023 में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है और 16 अगस्त को यह समाप्त हो जाएगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है। इस साल सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन 59 दिनों का यानी 2 महीनों का होगा। हर 3 साल में एक बार साल का एक माह अतिरिक्त होता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास समय की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए लगता है। क्या है अधिक मास? अंग्रेजी कैलेंडर में तो हर साल 12 महीने होते हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह होता है, जिसे अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में पूजा पाठ, व्रत और साधना का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक मास हर 3 साल में एक बार क्यों और कब लगता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। कब लगता है अधिक मास? पंचांग या हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्र वर्ष की गणना से चलता है। अधिक मास चंद्र साल का अतिरिक्त भाग है, जो कि 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से बनता है। सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच इसी अंतर को पाटने या संतुलन बनाने के लिए अधिक मास लगता है। वहीं भारतीय गणना पद्धति के अनुसार सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। इस तरह से एक साल में चंद्र और सूर्य वर्ष में 11 दिनों का अंतर होता है और 3 साल में यह अंतर 33 दिनों का हो जाता है। यही 33 दिन 3 साल बाद एक अतिरिक्त माह बन जाता है। यही अतिरिक्त 33 दिन किसी माह में जुड़ जाता है, जिसे अधिक मास का नाम दिया गया है। ऐसा करने से व्रत त्योहारों की तिथि अनुकूल रहती है और साथ ही अधिक मास के कारण काल गणना को उचित रूप से बनाए रखने में मदद मिलती है। अधिक मास को मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस साल अधिक मास सावन माह में जुड़ा है, जिस कारण इस बार सावन 2 महीने का होगा। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से हो रही है और 16 अगस्त 2023 को यह समाप्त हो जाएगा। अधिक मास से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दैत्य राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। लेकिन अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप ऐसा वरदान दे दें जिससे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर उसे मार ना सके और उसे वर्ष के सभी 12 महीनों में भी मृत्यु प्राप्त ना हो। उसकी मृत्यु ना दिन का समय हो और ना रात को। वह ना ही किसी अस्त्र से मरे, ना ही किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जाए और ना ही घर से बाहर। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दे दिया। लेकिन इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर और भगवान के समान मानने लगा। तब भगवान विष्णु अधिक मास में नरसिंह अवतार, आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए और शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अधिक मास का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार संसार के प्रत्येक जीव पंच महाभूतों, जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी से मिलकर बना है। अधिक मास ही वह समय होता है जिसमें धार्मिक कार्यों के साथ चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर में समाहित इन पंच महाभूतों का संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इसलिए अधिक मास के दौरान किए गए कार्यों से व्यक्ति हर 3 साल में परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। थैंक यू।